हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा अली जो कि सीईओ और फाउंडर हैं ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। थैंक यू। आप मुझे ये बताएं कि आपकी कंपनी की कब शुरू हुई और उसकी विजन क्या है, आप क्या देखते हैं अपनी कंपनी के बारे में? श्योर। हमारी कंपनी ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान, जैसे हम शॉर्ट ESP भी कहते हैं, ये स्टार्ट हमने लिया था विजन इसका 2018 में। और द विजन वॉज कि जी पाकिस्तानियों को जब मैं कुछ काम ऐसा कर सकता हूँ जहाँ से मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूँ तो एवरीवन एल्स एनीबॉडी कैन डू इट। तो विजन ये था कि हर पाकिस्तानी कम से कम $1,000 के इक्विवेलेंट जो है वो कमा सके मंथली। और मैं देखता हूँ मीडियोकर जो तबका है या उससे भी बिलो तबका जो है वो बहुत ही लो लेवल पर इस वक्त जो है वो काम कर रहा है। तो ये जो ऑनलाइन बिजनेस वेंचर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ अब हमारे पास हैं पाकिस्तान में, इनसे बेनिफिट हमारे पास ये हो रहे हैं कि $1,000 इज जस्ट कह लें कि एक बॉल पार्क, बहुत ही स्मॉल नंबर है। लोग इससे बहुत ज़्यादा इनकम अच्छी जनरेट कर लेते हैं और इट्स ऑल वाइट टेक्निक्स, वाइट हैट टेक्निक्स, और ये हलाल बिजनेस इनकम्स हैं सारी। इसमें कोई ऐसी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात बताना। एग्जैक्टली। लोग समझते हैं कि नहीं जी कोई गेट रिच क्विक स्कीम है, तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर बिजनेस हम बिल्ड करते हैं, हम हेल्प करते हैं लोगों को कि वो सीखें, समझें और अपने बिजनेसेस ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरफ लेकर जाएं। ठीक है जी। आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स का बहुत सारा स्कोप है, आप मुझे ये बताएं कि अमेज़ॉन, सबसे पहले आप मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि अमेज़ॉन क्या है, बिकॉज इट्स अ जायंट इन द ई कॉमर्स मार्केट, और क्या अमेज़ॉन पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली एंटर हो गया है? बिकॉज बहुत सारे ई कॉमर्स बिजनेसेस क्लेम करते हैं कि वो अमेज़ॉन के साथ काम करते हैं, इज़ दैट ट्रू? समवॉट। और लोगों को जो है वो अमेज़ॉन जो है वो $1 trillion इंडस्ट्री है, खुद एक बहुत बड़ा US का, इन्होंने को तकरीबन 60% रिटेल मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखा है और अब तो दुनिया भर में बड़ा तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान की जो है वो सेलर्स लिस्ट में पाकिस्तान को उन्होंने शामिल कर लिया है। ये अब तक कोई मई 21 तक जो है ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें एफर्ट्स डाली हैं, उनको पुश किया पाकिस्तान की तरफ से, बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेप्स ऐसे लिए गए जिसमें कोई कमेटी वगैरह हमने बना के तो इन लोगों ने इसको अमेज़ॉन को इंसिस्ट किया कि जी पाकिस्तान को ऐड करें। तो अब पाकिस्तानी सेलर्स जो हैं, पाकिस्तानी एक आम आदमी, पाकिस्तानी जो है वो अपने पासपोर्ट की या CNIC की कॉपी के साथ और बाकी तमाम कवायफ के साथ अमेज़ॉन पर साइन अप कर सकता है एज अ सेलर, और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स या कोई बाहर के प्रोडक्ट्स वो सेल कर सकता है अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। दैट्स अमेजिंग। और मुझे ये बताएं कि क्या ये प्रोसेस कितना एक मुश्किल है अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे एक पाकिस्तानी के हैसियत से वहाँ पे कुछ सेल करना? कॉम्पिटिशन बहुत स्टिफ होगा अमेज़ॉन में हर कैटेगरी में। ट्रू। अमेज़ॉन पे सेल करने के 2-3 तरीके हैं, यानी कि बिज़नेस मॉडल्स हैं जैसे हम कहते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में एक बिज़नेस मॉडल कम्प्लीटली डिफरेंट जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था 2018 में, उसे कहते हैं होलसेल FBA। FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। ये अमेज़ॉन की एक सर्विस है जिसमें अमेज़ॉन अपने सेलर्स को ये सर्विस देता है कि आप अपनी कोई भी इन्वेंट्री हमारे इस वेयरहाउसेस में रखवा दें, जब वो सेल होती है कस्टमर को हम खुद ही फुलफ़िल करेंगे। तो अमेज़ॉन वांट्स टू मेक श्योर कि जी कस्टमर सर्विस भी वहाँ पे अच्छी रहे, ऑन टाइम डिलीवरी। एग्जैक्टली। वेट टाइम कट हो जाता है वो 2-3 दिन वो क्लेम तो करते हैं 2 days डिलीवरी, लेकिन 2-5 working days। ट्रू। एग्जैक्टली। ओके। तो ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है। और होलसेल FBA से फायदा ये होता है कि लोग बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट से इस काम को शुरू कर सकते हैं, यानी कि एक बड़ा चंक इन्वेस्टमेंट का नहीं लगाना पड़ता। दूसरा बिजनेस मॉडल इसके अंदर है प्राइवेट लेबल का, जिसमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, आप जैसे हमारे पास, मैं देख रहा हूँ आपके पास भी काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो यूनिक भी कहलाई जा सकती हैं, कुछ होममेड भी, सॉरी हैंडमेड होती हैं, और इनको जो है अमेज़ॉन पे सेल किया जा सकता है। तो यहाँ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी होती है, और अब तो चूँकि पाकिस्तान पोस्ट ने भी कोलैबोरेशन कर लिया है अमेज़ॉन के साथ, बाकायदा अमेज़ॉन के सेंटर्स वो जो है बना रहे हैं पाकिस्तान में। तो लोग जो हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, अब थोड़ी छोटी क्वांटिटी में भी आप अमेज़ॉन पे शिप करवा सकते हैं, अमेज़ॉन के कस्टमर्स को शिप करवा सकते हैं और अमेज़ॉन पे ये सेल किया जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल। वाओ, दैट साउंड्स फैंटास्टिक। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी कॉन्वर्सेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी और मालूमात हासिल करेंगे हम भी इस इस कहानी का कैसे हिस्सा बन सकते हैं, मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे मेहमान हुज़ैफ़ा अली बैठे हैं, बता रहे हैं हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर। मेरा अगला सवाल आपसे हुज़ैफ़ा ये है कि Etsy क्या है? Etsy एक
छोटा मार्केट प्लेस है कंपैरेटिवली टू अमेजोन, और इसमें लोग हाथ से बनी हुई चीज़ें सेल कर सकते हैं, ये हैंडमेड Okay. ये बेसिकली ये अलाव ही इस किस्म के प्रोडक्ट्स को करता है, और पाकिस्तान में चूंकि आप जानती हैं कि जी भरा पड़ा हुआ है पाकिस्तान विद हैंडीक्राफ्ट्स एंड व्हाट नॉट, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं इसे। हमने 2018 के कुछ एंड के करीब हमने इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान में कि जी यहाँ पे भी काम किया जा सकता है, और चूंकि छोटी मार्केट है तो क्राउड नहीं है बहुत ज़्यादा सेलर्स का, जिसकी वजह से कंपटीशन इज वेरी लेस, बहुत कम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर किसी को ये सब कुछ सीखना है कि अमेज़ॉन पे और एटसी वगैरह पे सब कुछ अपनी चीज़ें बेचनी हैं, तो हम कैसे सीख सकते हैं? बिकॉज ऐसा तो नहीं लगता है कि मतलब मैं जाके विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आई कैन स्टार्ट पोटेंशियली, तो कैसे सीख सकते हैं? इसको सीखने के लिए हमने बहुत अरसे से एक अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है, इसमें मेरा जितना भी कोई 4-5 सालों का तजुर्बा था वो सारा हमने इसमें डाला है। इसे कहते हैं वीडियो सक्सेस कैंप, और शॉर्ट में हम इसे VSC भी कहते हैं। ये सिंपली कोई भी हमारी वेबसाइट पे जाता है ecomsuccess.pk/VSC, तो ये वहाँ जाकर उसे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। हम सिर्फ CNIC या पासपोर्ट की कॉपी इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि मेक श्योर कर सकें कि किसी कोई पाकिस्तानी इसे यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो रजिस्टर कर सकते हैं। और पहले हम इसे सेल करते थे, लेकिन अब हमने इसे कम्प्लीटली फ्री कर दिया है ताकि पाकिस्तानियों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीख सकें। और ये बड़ी डिटेल्ड, और मैं बड़े दावे के साथ लोगों से कहता हूँ कि पाकिस्तान में ये वो वाहिद ट्रेनिंग है जो इतनी एडवांस लेवल पर सिखाई गई है विदाउट एनी फी। वीडियोस देख के कोई भी इससे, हमारी पेड ट्रेनिंग्स भी वैसे होती हैं, बट पेड इज ओनली बिकॉज देयर इज अ टाइम बीइंग इन्वॉल्वड फ्रॉम अ ट्रेनर, तो अदरवाइज तो वो वीडियोस देख के कोई भी बड़े आराम से इसको सीखे, नोट्स बनाए और इसको अप्लाई करे। और हमारे एक फेसबुक की कम्युनिटी है, अच्छी खासी बड़ी है, वो भी तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब उसमें लोग हैं जो वहाँ से भी सीखते रहते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, जो सपोर्ट है उनको वहाँ से मिल जाता है। उसको एक्सेस करने के लिए आप ecomsuccess.pk/FB ग्रुप पे जाएंगी तो आपको वो कम्युनिटी मिल जाएगी फेसबुक की, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान लिखें तो भी मिल जाएगा आपको, और वहाँ आप उसका पार्ट बन सकते हैं और प्रॉपर सपोर्ट आपको वहाँ से मिल जाएगी, यानी कि ड्यूरिंग योर लर्निंग जर्नी। अच्छा मुझे दोबारा से अगर आप बुरा ना माने तो ये वेबसाइट का एड्रेस बता देंगे ताकि हम अपने व्यूअर्स को मेक श्योर करें कि अगर उन्होंने इस वीडियोस को देखकर इस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है तो कैसे जाएं? श्योर, वेबसाइट का एड्रेस है ecomsuccess.pk/VSC, जो वीडियो ट्रेनिंग हासिल करनी है VSC के लिए, और फेसबुक ग्रुप के लिए ecomsuccess.pk/FB ग्रुप पे जाएं तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। नाज़रीन, ये आप नीचे भी देख रहे होंगे, यू नो हमारे लोअर थर्ड के अंदर इसका टिकट भी चल रहा है, अगर आप लोगों को इसके अंदर हिस्सा लेना है, यहाँ से कुछ सीखना है, तो लाइक ही सैड हुज़ैफ़ा ने हमें बताया कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ये वीडियोज़ देखें, डाउनलोड करें, और फिर इन वीडियोज़ के साथ आप आराम से बासानी इस बिज़नेस के अंदर, चाहे वो अमेज़ॉन हो चाहे वो एटसी हो, दोनों के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे ईबे पे भी लोग सेल कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे प्राइवेट लेबल कैसे किया जाता है, ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है, ये सिर्फ मैंने तो हमने यहाँ पे जिक्र दो का किया है, वरना वहाँ पे 10+ इनकम स्ट्रीम्स मौजूद हैं और 30+ वो बेसिक इनकम्स मौजूद हैं, जो एक कहते ना कि लेमैन कहाँ से शुरू करे, फर्स्ट डॉलर कैसे कमाना है, उसमें कोई तकरीबन 32 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। लोगों को सीखना है, टाइम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम लगाएंगे तो वो मुश्किल नहीं है, मगर एक वो शख्स जो कंप्यूटर, देखें आप भी वैसे एक लेमैन फेसबुक चलाना जानता है, व्हाट्सएप चलाना जानता है, तो वो नॉर्मली लैपटॉप या कंप्यूटर पे थोड़ा सा ब्राउजिंग कर लेता है, इट्स ऑल अबाउट दैट, देयर इज नो टेक्निकल और स्पेशल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर दीज स्टफ, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट एनालिसिस की जरूरत होती है। ओके, मतलब ज्यादा कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब डर जाएं हम लोग सोच के। नहीं, इसमें कुछ टूल्स होते हैं जो आप क्रोम ब्राउजर में डालते हैं, और उसकी चूंकि सारी ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, आपको बताया जाता है कि जी कौन सा टूल इंस्टॉल करना है, किस टूल से आपको क्या देखना है, ऑल यू नीड इज टू एनालाइज द प्रोडक्ट। आपको अगर आप अमेज़ॉन पे हैं, एटसी पे हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट को देखना आना चाहिए एज अ बायर परस्पेक्टिव, ताकि आपको पता चले कि जी वो प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, उसमें कितना पोटेंशियल है, कितना प्रॉफिट है, एंड देन वी डिसाइड कि अच्छा जी इट्स अ गुड टू गो और इट्स अ नो गो।
अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके इस अगर हम बेचना चाहते हैं कुछ अमेजोन पे या एटसी पे, तो उसकी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी फ्रॉम आर एंड वो कितनी होती है? अमेजोन पे अगर आप होलसेल एफबीए का बिजनेस करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट बड़ी फ्लेक्सिबल है। आप इसे $2,000 से भी शुरू कर लें, $200 से भी शुरू कर लें। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। ऑफ कोर्स ऐसे सेलर्स मैंने इसी हमारे फेसबुक कम्युनिटी में इंटरव्यूज किए हैं बाहर के सेलर्स के, जिनका $60 million के भी बिजनेस है सालाना, $60 million। अब इफ यू जस्ट कैलकुलेट, और वो 10-12% जो है प्रॉफिट निकाल लेते हैं बड़े आराम से। ये इतने बड़े बिजनेस पे थोड़ा सा प्रॉफिट रेशियो कम हो जाता है ऑब्वियसली। हाँ, तो उसमें अगर आप 60 मिलियन पे भी जाएं और 10% करें तो वो ठीक ठाक एक आपका $6 million से ज़्यादा प्रॉफिट बन जाता है नेट में। ये होलसेल एफबीए का पोटेंशियल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, लोग $2,000-5,000 से भी स्टार्ट करते हैं। मैं रेकमेंड वैसे करता हूँ कि $5,000 आपके पास हो तो कम से कम इन्वेस्ट करें आप, ताकि आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल नजर आए, ताकि आप मतलब आप अपनी रेंज बढ़ा सकें। एग्जैक्टली इस बिजनेस की खासियत यह है कि इसमें फाइनेंशियल रिस्क बहुत कम है, लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि चूंकि इस बिजनेस में आप मल्टीपल SKUs यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो आपका एक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं और विनिंग के चांसेस आपके काफी बढ़ जाते हैं। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हुज़ैफा एंड गिविंग अस ऑल दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन, जो कि मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को बहुत मदद देगी। बिकॉज ये सारे का सारा बिजनेस, लेट मी रिपीट फॉर यू गाइस, कि ये सब कुछ आप घर से बैठ के कर सकते हैं। एग्जैक्टली, स्पेशली फॉर वेमेन जिनके पास मोबिलिटी के इश्यूज होते हैं, उनको बाहर निकलने के अंदर मुश्किल होती है, तो वो लोग तो स्पेशली बहुत आराम से कर सकते हैं। Exactly. राइट, ऐसा ही है। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हुज़ैफा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपकी क्लिप बाय द वे फेसबुक के ऊपर देख सकते हैं, ताकि आपको you know, सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी उसके ऊपर कि कौन सी वेबसाइट पे जाके आप लोग ये वीडियोस देख सकते हैं और कौन सी फेसबुक कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाए। इसी के साथ हम लोग एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी होगी हमारे सेट के ऊपर, हम आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।